बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं वसीम ताहिर और आप देख रहे हैं मालूमात टीवी। आज मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगा, वो भी बग़ैर ओवन के। इसमें जो हमारे केक में चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताता हूं। तकरीबन एक कप चीनी ले लेनी है आपने और एक कप ही मैदा लेना है आपने। और तकरीबन दूध जो है, ये हमारा जो आटा गूंदने के लिए, इसका आटे को नरम करने के लिए, जो गूंदने के लिए जो चाहिए, ये हमें ज़रूरत होगा, जितना ज़रूरत होगी उतना डाल लेंगे हम। एक हमें अंडा चाहिए और जो ऑयल है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून जो इसमें जाएंगे मैदे में, और बाद में वो हमने उसके लिए चाहिए बेकिंग के लिए भी हमें बाद में चाहिए। और एक हमें ये हम जो बना रहे हैं केक, ये बना रहे हैं बनाना, बना रहे हैं बनाना केक, एक बनाना चाहिए। और हमें ये वनीला एसेंस है, इसके 3 से 4 कतरे इसके डालेंगे और ये वनीला ये केक बनेगा हमारा। ये सबसे पहले चीनी को हम ग्राइंड कर लेंगे। चीनी का हमें पाउडर चाहिए, इसको बारीक हमने बारीक पीस लेंगे। चीनी को पहले हम चीनी को ग्राइंड कर लेंगे। हमारी चीनी जो है वो बारीक हो चुकी है बिल्कुल पाउडर की शक्ल में। देखें बिल्कुल पाउडर बन गया है, हमारी चीनी बिल्कुल बारीक हो गई है और ये पाउडर बना लिए हमने। अब हम तो इसमें 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। अब हम इनको इस पूरे बैटर को मिक्स करते हैं। सबसे पहले ये हमने चीनी ली है, इसमें हम ये मैदा डाल देंगे। बेकिंग पाउडर डाल दिया इसमें हमने। अच्छी तरह इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब आप इसमें अंडा डाल दीजिएगा, अंडे को भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। क्योंकि अंडा डालने के बाद पता चलेगा कि हमें इसमें दूध कितना डालना है, क्योंकि जितना इस पर देखना कि ज़्यादा ये हमारा बैटर पतला भी ना हो, इसलिए हमने इस हिसाब से अंडा के साथ पहले मिक्स करना है, उसके बाद देखेंगे कि दूध इसमें कितना जाएगा। इसमें अब जो 4 चम्मच ऑयल था वो हमने शामिल कर दिया, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब हम थोड़ा सा दूध लेके उसमें केले को शेक कर लेते हैं, केले को शेक कर लेते हैं, इसका शेक भी हमने इसमें शामिल करना है। इसमें जो है हमने शेक किया था उसका बहुत शामिल कर दिया है। ये 2-3 ड्रॉप जो हैं वनीला एसेंस के, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। इससे ये होता है कि अंडे की जो स्मेल होती है वो आपको महसूस नहीं होगी और अच्छी खुशबू भी अच्छी आएगी। इसको आप देखते जाएं कि कितना वो, इतना ज़्यादा भी ना हो पतला, लेकिन ये कि इसको हमने इतना बना लेना है कि इसमें अब दूध थोड़ा और शामिल किया हमने कि ये केक का बैटर, देखिए मैं जैसा आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा ये नरम हो बिल्कुल, क्योंकि फिर ही केक जो है वो आपका अंदर से नरम बनेगा। इसमें दूध हमारा 3 से 4 चम्मच ही गए हैं, क्योंकि ये हमारा जो बैटर जिस तरह का चाहिए था हमें उस तरह का मिल गया है। हमने इसको अच्छी तरह, इसको अपने चाहे बीटर से कर लें चाहे हाथ से कर लें, इसको अच्छी तरह आपने फेंटना है। ये देखें इसमें ये इस तरह ये नीचे को जब गिरे तो इस तरह गिरना चाहिए। देखें ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और हम इसको अब आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, ताकि ये इसका अच्छी तरह जो इसका थोड़ा सा जो फुलाव है वो और आ जाए। आपने कुकर ले लेना है और
कुकर को आपने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है, और उसके अंदर आपने इस तरह का वो जो मिलता है सांचा, ये जो है स्टैंड मिलता है, इस तरह का स्टैंड अंदर रख लेना है। तो उसके बाद जब ये 10 मिनट प्री हीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें सांचे में डाल के अपना बैटर इसमें रखेंगे। थोड़ा सा बैटर लेके उसमें आप थोड़ी सी चॉकलेट डाल दें। देखिए मैंने इसमें थोड़ी इसमें चॉकलेट डाल दी है। अब इसको हम मेल्ट करके इसको ऊपर डेकोरेशन के लिए, इसके ऊपर जो लगाने के लिए वो ऊपर लगाएंगे इसके, इस तरह इसको अच्छी तरह आपने वो मिक्स कर लेना है। इसको इस तरह अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। ये हमारे केक के ऊपर हम पेस्ट करेंगे। अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा एक चम्मच दूध का शामिल कर लीजिएगा, ताकि ये नरम रहे, क्योंकि चॉकलेट डालने से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। इसको आप थोड़ा सा चम्मच डाल के एक दूध का इसको नरम कर लें। जो हमारा सांचा है जिसमें हमने केक बनाना है, उसको अच्छी तरह ऑयल लगा लेना है, किसी ब्रश से या किसी भी तरह इसको आपने अच्छी तरह ऑयल लगा लेना है हमारे सांचे को। इसकी तय में ना आप अच्छी तरह यह मैदे को अच्छी तरह कर लें, यह तय में अच्छी तरह मैदे को खींचे अच्छी तरह कर लें। इस तरह इसको अच्छी तरह आपने मैदा इसके नीचे भी और साइडों पर भी लगा लेना, ताकि हमारा केक इसके साथ चिपके ना। अब इसमें आप सारा बैटर डाल दें। इसके ऊपर हमने ये अब डाल देना जो हमने वो बनाया था इसका चॉकलेट वाला बैटर। जिस तरह का आपको पसंद है उस तरह का आप इसमें डाल लें। किसी भी टूथपिक या किसी चम्मच से मदद से आप इसको अच्छी तरह फैला लें, ताकि आपका नीचे तक ये चला जाए। अब हमारे ये 10 मिनट तक हमने इसको प्री हीट कर लिया है। अब हम इसको इसमें रख देंगे। ये हमने इसके अंदर रख दिया और ऊपर से इसका ढक्कन बंद कर देंगे। इसको अच्छी तरह ढक्कन इसका आपने ओवन ये कुकर का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर देना है। इसको हमने तकरीबन आधा घंटे तक इसको हम रखेंगे, और आँच बिल्कुल हल्की रखनी है, बहुत तेज़ ना हो आँच, ये हल्की आँच हो। और आधे घंटे के बाद आपने चेक कर लेना है किसी छुरी की मदद से कि पूरा पक गया है कि नहीं। अगर पक गया है तो उतार लेना, अगर आगे थोड़ी कसर हो तो दोबारा इसको अपने रख देना। हमारा आधा घंटा हो गया, अब इसका हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसका वाओ बहुत ही प्यारा अंदर केक बहुत प्यारा बना है। अब इसको चेक करते हैं कि ये अंदर से कच्चा तो नहीं है। अब हम टूथपिक की मदद से चेक करते हैं, अगर कच्चा होगा तो हाँ ये देखें बिल्कुल पक चुका है, क्योंकि अगर कच्चा हो तो इसके साथ लग जाता है। तो टूथपिक से ये बिल्कुल साफ़ आई है, इसका मतलब है ये बिल्कुल अंदर से पक चुका है और बड़ा अच्छा केक तैयार हो गया। अब हम मैं इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये आसानी से निकल आएगा, क्योंकि हम नीचे से इसके मैदा लगाया हुआ था, तो आसानी से निकल आएगा। देखें हमारा केक बिल्कुल शानदार तैयार हो गया, और देखें कितना सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। अब हम इसको काट के दिखाते हैं आपको। अब हम इसको काट के दिखाते हैं अंदर से कैसा बना है। अंदर से भी बहुत सॉफ्ट बना हुआ है और बहुत मज़े का ये लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।